क्या होता है कि हमारा कोलैबोरेशन चल रहा था इश्क में मर जावां के साथ, महासंगम था। और महासंगम में ही कुछ ऐसा सीक्वेंस था जिसमें एक कैरेक्टर ऐसा आता है, मोहिनी जी, मतलब ऐसे हैं कि उनका पेट होता है ये क्रोकोडाइल। तो क्या होता है, मोहिनी जी आती हैं और सबको, मतलब एक एक करके सबको डेन में डालती हैं क्रोकोडाइल वाले। एंड वहाँ पे चकोर होती हैं और एनजी होती हैं, पूनम जी होती हैं। तो मुझे आवाज़ आती है कि मतलब कुछ नीचे हो रहा है, मतलब डेन में आवाज़ें आ रही हैं। तो मैं जाता हूँ नीचे, देखता हूँ वहाँ पे पूनम जी, आंजी, चकोर तीनों फंसे होते हैं और उनको रेस्क्यू करने जाता हूँ। वैसे तो बहुत लंबा चौड़ा सीक्वेंस था बट इसको शॉर्ट एंड स्वीट में निपटाया है। तो उनको रेस्क्यू करता हूँ, मगरमच्छ से बचाता हूँ, उनको बाहर लेके जाता हूँ। एंड या दैट्स अबाउट इट। तो क्या कहते हैं कि इस तरह के जो सीक्वेंस होते हैं, इसमें जो प्रिपरेशन होता है, मतलब एक ही शॉट को इतना टाइम लगता है, क्या कहना चाहेंगे कि कितना ज़्यादा मुश्किल होता है? अब मुश्किल तो होता है क्योंकि बार बार मतलब शॉट्स देने पड़ते हैं, ट्रीटमेंट वाइज सब चीज़ें। अभी भी मेरा शॉट हुआ है बट आई अगेन आई हैव टू वेट एंड गो, यू नो। तो वो वेटिंग वाला जो प्रोसेस होता है, तो उसमें कैरेक्टर से आप बाहर आ जाते हो ऑलमोस्ट। सो इट्स लाइक डिफ़िकल्ट टू शूट एक्शन सीन्स लाइक फॉर सेक जिसमें बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट होता है, क्योंकि आप डिस्ट्रैक्ट बहुत ज़्यादा होते हो। तो बस बाकी हो जाता है। एक्चुअली आई यूज़ टू वॉच इट वैन इट वॉज स्टार्टेड इन माई स्कूल। आई वॉज इन माई स्कूल, सो माई पेरेंट्स यूज़ टू वॉच इट। एंड या आई फील प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ उड़ान। एंड एक्चुअली आई एम मेकिंग माई पेरेंट्स प्राउड। आई हैव डन अ लीड शो ऑन स्टार प्लस एंड नाउ आई एम डूइंग अ लीड ऑन कलर्स। सो या आई एम मेकिंग माई पेरेंट्स प्राउड बेसिकली। दे वॉन्टेड टू सी मी एज अ हीरो, एज अ लीड। एंड इट्स हैपनिंग बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। तो